नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सोमवार से लॉकडाउन की जद में आ गया, जबकि दूसरा शहर वेलिंगटन जश्न में डूबा दिखाई दिया। दरअसल राजधानी वेलिंगटन में 34,500 क्षमता वाले स्काई स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। इसमें मशहूर बैंड 660 ने प्रस्तुति दी। इसे नाम दिया गया धरती का सबसे बड़ा शो, जिसमें करीब 32,000 लोग शामिल हुए। वेलिंगटन की आबादी करीब 2.25 लाख है और न्यूजीलैंड का तीसरा बड़ा शहर है। यानी कॉन्सर्ट में शहर की 15% आबादी मौजूद रही, वो भी तब जब 16,70,000 की आबादी वाले सबसे बड़े देश शहर में 3 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। अमीर देशों के इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वे वैक्सीन का जरूरत से ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और इसकी वजह से गरीब या जरूरतमंद देशों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ब्रिटेन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ओवर स्टॉक वैक्सीन दूसरे जरूरतमंद देशों को दिया जाए, ताकि वहां संक्रमण और मौतें रोकी जा सके। इसराइल में ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। इसमें काफी सफलता भी मिली है और देश में संक्रमण काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन सरकार के सामने दूसरी दिक्कत यह है कि यहां पर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें चलाई जा रही हैं और इसकी वजह से प्रोसेस पर असर पड़ा। सरकार ने वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे लोगों को चेतावनी भी दी है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अगर आपको जिम या कल्चर इवेंट्स में जाना है तो वैक्सीनेशन कराना ही होगा। मिस्र के सबसे पुराने शहर अबाइडोस में दुनिया की सबसे पुरानी बियर फैक्ट्री मिली है। अमेरिका और इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि यह फैक्ट्री 5,000 साल पुरानी है। यहां मिट्टी के बेसिन में एक बार में करीब 22,000 लीटर बियर बनाई जाती थी। तब नॉर्मल राजवंश यहां के शासक थे। आर्कियोलॉजिस्ट की में खुदाई में बियर बनाने की 8 यूनिट भी मिली है। हर यूनिट की लंबाई करीब 65 फीट और चौड़ाई करीब 8 फीट के आसपास है। एक यूनिट में बियर बनाने के लिए मिट्टी के 40 बेसिन का इस्तेमाल किया जाता था। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। छोटे कारोबारी अब तक इससे उबर नहीं सके हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसे ही छोटे कारोबारियों से बात की और उनके बिजनेस का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अटलांटा में एक भारतीय रेस्टोरेंट नॉनस्टॉप के ऑनर्स नील और समीर इंदनानी से बात की। बाइडेन ने कहा कि अगर वे अटलांटा आएंगे तो उसके रेस्टोरेंट आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।